मैया की जय। छठी मैया की जय। और मनोज भैया की जय। थोड़ा यह श्रम दान किया जाए। यहाँ से 10 किलोमीटर छठ कर सकते हैं। और पानी भी ऐसा मिलता है, सभी हो गए पानी में घुस रहा है, हम लोग को जूता निकाल घुसना पड़ेगा। अरे सारे बच्चे कोई दिक्कत नहीं, सुनो नहीं आ पा रहा दादा। दादा थोड़ा फावड़ा दो भैया, फावड़ा। अच्छा जी पानी में कोई नहीं होता, उतरो अंदर जाओ माता जी। नेटवर्क नहीं आ रहा, बोल देना। एक मिनट नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा, फिर नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, किसी का नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा। उसको घबराना नहीं, इधर ही करना, थोड़ा सा पीछे हो जाओ दादा, कुछ हम हमें भी कर ले दो। उधर उधर और आगे जाओ भैया की। पहले दो तो जैसे अंदर में तो साफ ही है, अंदर में ज्यादा कोई गंदगी है नहीं। जैसे ये सब पड़ा हुआ है ना, जैसे हम लोग इसको हट जाने तो गिर जाओ यार, हमें नुकसान होगा, हमें भी गिरा दोगे साथ में। आपको निकलने देना चाहिए। आपको मिलेगा पीछे हो जाओ, गिरा हो जाओ, पीछे हो बाबा, पीछे हो। तो ये और देखो जितना लोग आए हो, अगर 5 ठो गंदगी निकाल के नहीं गए तो मतलब करना चाहिए। वही हुआ है, नहीं चाहोगे तो आने का कोई फायदा नहीं। छठी मैया की जय। यमुना मैया की जय। ये ठीक है ना, 5 हो गया। नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी का नहीं आ रहा। चलो बाइक में चलो, ठीक है। ये अखिलेश भगवान की मूर्तियाँ वस्त्र और निकालो कुछ भैया, आप आ जाइए। आज बड़ी खुशी की बात है कि पीछे जमुना तट पे छठ को बैन कर दिया गया था। हम सब ने लगातार इस बात को समितियों के समक्ष, एजेंसीज के समक्ष, माननीय एलजी महोदय के समक्ष, दिल्ली सरकार के समक्ष रखा कि छठ से यमुना को या किसी तालाब को या नदी को समस्या नहीं होती है गंदगी की। छठ तो एक स्वच्छता प्रोग्राम है, बल्कि इसमें ज्यादा जन जागरण की आवश्यकता है। जो आम दिनों में लोग आते हैं, प्रसाद फेंक देते हैं, उनको फूल फेंक देते हैं, एक ऐसी भ्रांति फैली है कि जमुना जी में हमारा फूल जाएगा तो हमारे को फल मिलेगा। ये मैं बता दूं कि जमुना जी में जो भी ऐसा कोई पदार्थ, या न सिर्फ जमुना जी, गंगा जी में, किसी नदी में अगर आप अपने घर का कचरा फेंकते हैं, जो थोड़े समय के लिए फूल ही क्यों न हो, पूजा की सामग्री क्यों न हो, तो आप सीधा सीधा पाप कर रहे हैं। आपकी सारी पूजा का फल खत्म हो जाता है, ऊपर से आपको ईश्वर आपसे नाराज होते हैं। प्रकृति भी एक ईश्वर का ही रूप है। तो चूंकि स्वच्छता कार्यक्रम है, हमने अपने डीएम महोदय को भी इन्वाइट किया, यहाँ हमारे पुलिस के भी लोग हैं और हमारे एमसीडी के भी लोग हैं,
और जितने संगठन हैं सरकार के उनके साथ साथ पब्लिक भी, यहाँ कौशल मिश्रा जैसे लोग भी हैं, मोहन गोयल जैसे लोग, मास्टर भी, जो लोग समाज में अपने अपने संस्थाएं चलाते हैं और वो मीडिया के भी इतने लोग आ गए, तो ये पब्लिक पार्टनरशिप में स्वच्छता अभियान है। और माननीय एलजी महोदय को, दिल्ली सरकार को धन्यवाद। बिल्कुल सर। इसी मौके पर नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज तिवारी यहाँ पर पहुँचे हैं और नॉर्थ ईस्ट की डीएम गीतिका जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने भी श्रमदान किया मनोज तिवारी जी के साथ। श्रमदान आज कर रहे हैं सर आप, लेकिन मैं थोड़ा सा ये घाट आपके आने से पहले देख रहा था सर, गंदगी है, साफ हो जाएगा क्या? तीस एकदम साफ हो जाएगा। जिला प्रशासन ने कमर कस लिया है, एमसीडी ने कमर कस लिया है और हम जनप्रतिनिधि भी कमर कस लिए हैं और यहाँ पब्लिक साथ में जुटी हुई, जनता भी साथ में कमर कस ली है। तो हम सबसे यही कहने आए हैं जो हम बार बार कहते रहे हैं कि छठ का त्योहार तालाबों का, नदियों का, बड़े बड़े झीलों का एक स्वच्छता कार्यक्रम है। हमारी अगर माँ छठ कर रही है तो जब तक हम पानी नहीं साफ कर लेंगे जहां वो करेगी छठ, जहां घाट नहीं साफ कर लेंगे वो छठ करेगी ही नहीं। छठ में स्वच्छता और शुद्धता का बहुत बड़ा स्थान है। मैं जी मीडिया को भी बोलूंगा कि आप सब भी अपना अभियान चलाइए कि जिसने पूजा सामग्री जमुना जी में फेंकी उसका पूजा का सारा पाप, सारा पुण्य तो नष्ट हो ही जाता है, ऊपर से पाप भी मिलता है, तो आपका तो कोई फायदा हुआ नहीं। फिर आपके घर में परेशानियां होंगी, लोग बीमार रहने लगेंगे, क्योंकि यमुना जैसी नदियों का श्राप भी मिलता है। मैंने कहा कि छठ का त्योहार मूलतः आस्था के साथ साथ एक स्वच्छता का कार्यक्रम है, जहाँ पे जल में कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है। जल में क्या दिया जाता है? सिर्फ जल दिया जाता है जो या तो गंगा से मंगाते हैं या नहीं तो सोनिया बिहार जैसे जगहों पे जहाँ यमुना जी का पानी बहुत स्वच्छ है, हरियाणा से जो आता है उसको लेकर के अर्घ देते हैं, और कभी कभार दूध थोड़ा सा उसमें मिलाया जाता है गाय का। साइंटिफिक रिसर्च बताता है कि अगर किसी पानी में भी गाय का दूध पड़ा तो पानी के सारे कीटाणु मार देगा। माननीय एलजी महोदय ने आज जो घोषणा किया उसके लिए हम सब आभारी हैं। इस बार आज उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली सरकार जो है एक बार फिर से वहाँ पर छठ मनाने की अनुमति दे दी गई है। ऐसे में इस वक्त छठ घाट के निरीक्षण करने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के माननीय सांसद पहुंचे। सर ये बताइए, आप घाटों का निरीक्षण करने आए थे, आपने देखा किस तरीके से इतनी गंदगी फैली हुई, क्या देखा? देखिए, ये गंदगी इसलिए फैली हुई है कि पब्लिक को आना मना कर दिया गया था। अब आज माननीय एलजी महोदय ने पब्लिक का यमुना जी के तट पे आकर के छठ के लिए तैयारियों की परमिशन दे दी है, छठ अब होगा। पिछली बार आप सोचिए कितने लोग घरों में बैठकर रो रहे थे, छठ का त्योहार गीत गा के मनता है लेकिन पिछला छठ का त्योहार रोते हुए आंसुओं से मना था। ये पानी तो बहुत साफ है और आगे वजीराबाद बैराज है जहाँ पे बैराज से ये पानी को पीने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पे जरूर गंदगी है, लेकिन ये गंदगी किसका हटाने का काम था? हम नाम लेंगे तो लोगों को बुरा लग जाए। सर, अभी कुछ देर पहले हम कालिंदी कुंज घाट में गए, वहाँ पे यमुना में हर साल एक तस्वीर वायरल होती है, जाग बनी, तो वो इस बार भी बनी है। पिछले साल यही वजह दी गई थी छठ को बैन करने की, इस बार भी स्थिति वही है, वस्तु स्थिति कमोबेश वही है, लेकिन छठ मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस बार पैसा ले क्या कर दिया? देखिए, जहाँ पे बहुत गंदगी हो वहाँ तो लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। मैं पूरी दिल्ली को सोनिया बिहार के ऊपर पीछे हरियाणा बॉर्डर तक, मैं यहाँ 25 लाख लोगों के छठ की व्यवस्था कर रहा हूँ। ये कौशल मिश्रा जी हैं, इन लोगों ने पीछे जब बैन हुआ, मास्टर विनोद जी हैं, मोहन गोयल हैं, इन लोगों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया, हम सब ने कॉल किया था और बच्चों को गोद में लेकर के ये छठ व्रती लोग, ये सुषमा वगैरह सब आए थे। हमारा उद्देश्य क्या कहना था कि मेरे भाई बहन जो शासन में है, छठ नदी को गंदा नहीं साफ करता है, छठ के जो व्रती के घर वाले घाटों को साफ करते हैं। और हम लोगों ने आज से स्वच्छता अभियान शुरू कर दिया, एमसीडी के हमारे सभी कर्मचारी लग गए हैं। माननीय एलजी महोदय के निर्देश के बाद अगले 28 तारीख तक हम सभी घाटों को ऐसा क्लीन कर देंगे कि लोगों को देख करके छठ पे गर्व। समय कम है, समय कम है लेकिन
उत्साह बहुत ज्यादा है तो उत्साह जीतेगा। बोल छठी मैया की जय। कई सारे ऐसे प्रवासी जो बिहारी हैं वो दिल्ली में रह रहे हैं, घर नहीं पहुंच पाए हैं, जिस तरीके की तस्वीरें रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आ रही है, जो यही रह गए हैं उन प्रवासी बिहारियों को, आप खुद भी बिहार से बिलोंग करते हैं, मैं भी बिहार की ही हूँ, तो उन बिहारियों को क्या संदेश देंगे, कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अब किसी को घर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अब तो जो हम लोग एक गीत गाते रहते हैं ना कि दिल्ली में जमुना जीती रवा छठिया होई है जरूर, घाट साफ करे वो जरूर, ये सब होगा, यहीं रहना है। विशेष तौर से जो यहाँ से गांव जाते हैं लोग तालाब नदी नहर के लिए, अब उनको हमारे नरेंद्र मोदी जी को और यहाँ के एलजी को धन्यवाद दे करके यहाँ छठ करिए। अगर आपको कहीं जगह नहीं मिलता है तो सोनिया बिहार से ऊपर 15 किलोमीटर तक हम छठ का घाट तैयार करके दे देंगे। हम प्रधानमंत्री जी को भी न्योता दे रहे हैं और एलजी साहब को भी न्योता दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को भी दे रहे हैं, देखते हैं अगर उन लोगों का इच्छा हुआ तो यहाँ आने के लिए यहाँ की जो शोभा होगी वो मैं ये तो नहीं कहता, दावा नहीं करता, लेकिन देश में जो सबसे सुंदर व्यवस्था होगी छठ की वैसे ही यहाँ भी। चलिए तो छठ करवाई जरूर सर। यमुना मैया की। ये देखिए लोग कितना बढ़िया जो है घाट साफ करके बनाए हुए हैं, जिनकी माता बहने छठ करती हैं उनके लिए कितना अच्छा घाट, कितना अच्छे सांसद जी माननीय सांसद घाट का निरीक्षण करते हुए सफाई कार्यक्रम में। ये आरती का करो, यमुना आरती शुरू। बोलिए यमुना मैया की जय, बोलिए काली मैया की जय, बोलिए जमुना। ओ भैया पीछे पीछे ओ माइक मैया की जय। आज जमुना मैया के स्वच्छता में और आरती में शामिल हुए हैं आप सभी को मैं मनोज तिवारी
अपने सभी साथियों के साथ यहाँ के डीएम, यहाँ के एमसीडी के डीसी सहित एमसीडी के सभी कर्मचारियों के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के जो प्रमुख लोग हैं, कौशल किशोर मिश्रा जी, मोहन गोयल जी, नीरज तिवारी जी, मास्टर विनोद जी, यहाँ के पार्षद सुषमा मिश्रा जी सहित इस क्षेत्र के जितने मानिंद लोग हैं, भंवर सिंह जी, और जहाँ जहाँ पूनम चौहान जी, त्रिलोचन जी, राजू गुप्ता जी, आप सभी को, नितिन जी आप सबको, और जेकर जेकर नाम नहीं ले तो अपने से ले लिया, हमारे यहाँ तो ये भी होता है अपना अपना नाम लीजिए, हम संकल्प छुड़ाएंगे, तो अपना अपना नाम और गोत्र ले लीजिए, और हम कहते हैं हे यमुना मैया, जो भी तुम्हारे दरबार में आए उसके ऊपर कृपा करो। पिछले साल यमुना जी में छठ बैन हो गया था, उसके विरोध में आप सब बड़ी संख्या में प्रदर्शन भी किए थे, दिल्ली के लोग, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ऊपर उठा के रखना थोड़ी देर, सवेरे जिम किया था, नहीं तो योगा कर लीजिए, थोड़ा देर उठाए रखना। तो आप सब इस बार छठ की तैयारी करिए, यहाँ से लेके यहाँ के एसएचओ भी हैं मौजूद, पुलिस के एसीपी भी हैं, आप सबसे निवेदन है कि यहाँ से आगे जितना भी दूर लोग छठ के लिए घाट बनाता है उसको सहयोग करिए, और आप सभी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग, छठ की सफाई जारी रहनी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब यमुना मैया की, श्री बालाजी महाराज की, छठी मैया की जय, छठी मैया की। क्या कुछ कहेंगे आज एलजी के आदेश के बाद दोबारा से छठ पूजा की अनुमति मिल चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आज आपने भी यमुना सफाई की? देखो मनुआ खुशी से झूम रहा है, यमुना जी का किनारा चूम रहा है, आज आरती में अलग उत्साह है क्योंकि छठ की खुशी में मन बहुत हमारा झूम रहा है, और हमारे एलजी साहब ने आज घोषणा कर दिया कि डेजिग्नेटेड जगहों पे छठ होगी यमुना के तट पे। अब इसके बाद क्रेडिट लेने के लिए तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन दिल्ली याद रखेगी कि जो त्योहार सफाई करता है उसको बैन करते हो, और जहां रोज गंदगी होती है उसको चलाए रखते हो, ये अब नहीं चलेगा। हम आस्था भी रखेंगे मन में और नदियों को स्वच्छ। क्या कहेंगे दिल्ली?